हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेवल अप लर्निंग। सिमरन मैम जून में पेपर दिए थे, रिजल्ट कब आएगा? सिमरन मैम बस ये बता दो रिजल्ट कब आएगा। इतने ज्यादा मैसेज, इतने ज्यादा कमेंट्स कि क्या बताऊं। जिसका एक का रिजल्ट आ गया उसको दूसरे की टेंशन है, तीसरे की टेंशन है, इसका नहीं आया उसका नहीं आया। शांति बालक शांति। तुम्हारी सिमरन मैम आ गई है सारी की सारी चीजें बताने के लिए। क्या कैसे ग्रेड कार्ड देखना है, कैसे मार्क्स शो होंगे, कहाँ पे क्या लिखा आएगा, रिजल्ट कहाँ पता चलेगा, और टॉपर्स के लिए क्या गिफ्ट है। अब टॉपर्स आएंगे 80+ मार्क्स लेकर आएंगे तो गिफ्ट भी तो मिलेगी ना, तो ये गिफ्ट के बारे में चलो बताएंगे तुम्हें बाद में। अब फिलहाल देख लो कि पेपर का रिजल्ट कहाँ आएगा। जिन बच्चों ने जून 2024 में पेपर दिए थे उनके रिजल्ट आने स्टार्ट हो चुके हैं। पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज क्या है, इग्नू का रिजल्ट कभी भी एक दिन पर नहीं आता। जैसे जैसे पेपर चेक होते जाते हैं वो आगे भेजते जाते हैं और उसके मार्क्स अपडेट होते जाते हैं। बच्चों के मैसेज आते हैं, मैम मेरी फ्रेंड का रिजल्ट आ गया, मेरा नहीं आया, क्या हो गया, कोई दिक्कत हो गई क्या? कोई दिक्कत नहीं हुई, ये सिस्टम ही है। जैसे जैसे चेक होते जाते हैं वैसे वैसे आते रहते हैं। तो मान कर चलो अगस्त की एंड तक आपका पूरा का पूरा रिजल्ट आ जाएगा। मैडम मेरा प्रोजेक्ट रिजेक्ट तो नहीं हो गया, मैडम मेरे असाइनमेंट रिजेक्ट तो नहीं हो गए? धैर्य रखो, धैर्य, सब बताऊंगी मैं, टेंशन मत लो। अब क्या है, आपने जून में जो तीन पेपर दिए थे उसका रिजल्ट कहाँ आएगा? उसका रिजल्ट आपका यहाँ पे आएगा, टर्म एंड एग्जाम रिजल्ट जून 2024। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा एक स्टूडेंट है जिसकी ये मैंने मार्कशीट को यहाँ पर खोला हुआ है, ठीक है जी, एक बार इसको हटा देते हैं। तो इस बच्चे का DC1 का भी रिजल्ट आया, कौन सी तारीख को, 1 अगस्त 2024 को इसका DC1 का रिजल्ट आया जिसमें इसके मार्क्स आए 80। हमारी वीडियो से पढ़ा था, हमारे नोट से पढ़ा था, तो अच्छे नंबर तो आने ही थे, एक टॉपर तो हमारा वैसे ही आ गया, ठीक है जी। तो ये रिजल्ट देखोगे कैसे, ये रिजल्ट देखोगे कैसे, ये देख लो, गूगल पर सर्च कर देना इग्नू TEE रिजल्ट जून 2024, इग्नू TEE रिजल्ट जून 2024। ये इग्नू की वेबसाइट दिख रही है, इस पे क्लिक कर देना। इस पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर डालना है, जैसे मैंने एक बच्चे का डाला हुआ था, सबमिट करा तो इसके क्या नंबर आए हैं, 100 में से 80 नंबर आए हैं। अगर आपके, देख लो एक बार, 100 नंबर का आपका पेपर था, ठीक है, कितने नंबर का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, कितने वाला पास होता है, 35 वाला पास होता है। 35 या 35 से ज्यादा होंगे तो आप पास हो, 35 से कम है तो आप फेल हो। क्या करोगे आप क्या करोगे, अक्टूबर में एग्जामिनेशन फॉर्म आया है, जिस पेपर में फेल हो उसका एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे और फिर उसका पेपर दिसंबर में दोगे, ठीक है जी, जो भी दिसंबर में डेट शीट होगी। अभी टेंटेटिव डेट शीट आई है, फाइनल जब डेट शीट आ जाएगी तो वो भी बता दूंगी। जिस पेपर में फेल हो बस उसी का पेपर देना होगा, ठीक है जी, ये बात हो गई बिल्कुल क्लियर, ठीक है जी। अब ये तो पता चल गया, मैडम मेरी असाइनमेंट और प्रोजेक्ट का कहां से पता चलेगा, दूसरी वेबसाइट इग्नू की होती है ये। अब आप इस बच्चे का देख सकते हो, यहाँ पर लिखा आ रहा है असाइनमेंट DC1 रिसीव्ड एंड इन प्रोसेस, 5 जुलाई को ये स्टेटस आया था, DC2 DC3 DC4। यहाँ पे कैसे पहुंचोगे, यहाँ पे पहुंचने के लिए गूगल पे सर्च करोगे इग्नू असाइनमेंट स्टेटस 2024, इग्नू की वेबसाइट आ गई, इस पे क्लिक करोगे, यहाँ आ जाओगे, एनरोलमेंट नंबर पे अपना एनरोलमेंट नंबर डालोगे, कोर्स में अपना कोर्स सेलेक्ट करोगे, जैसे आपने यहाँ पे DECE करा, DECE आ गया और सबमिट कर दिया, तो यहाँ लिखा आ गया DC1 2 3। जब ये लिखा आ जाता है इसके अप्रोक्सीमेटली 20 दिन बाद इसके मार्क्स आपके ग्रेड कार्ड पे यहाँ शो होने लग जाते हैं, ठीक है जी। तो ये तो नहीं भी देखोगे तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, तीन असाइनमेंट होते हैं, प्रोजेक्ट होता है। हमारे बच्चे अच्छे बच्चे, टॉपर बच्चे अच्छे नंबर लेके आते हैं। ये रहा ग्रेड कार्ड, ग्रेड कार्ड पे कैसे आओगे ये भी देख लो, ठीक है जी, इसको यहाँ पे हम बंद करके दिखा देते हैं। आपने सर्च करा इग्नू ग्रेड कार्ड, इग्नू ग्रेड कार्ड सर्च करा, यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये इग्नू ग्रेड कार्ड पे सिलेक्ट, अदर कोर्सेज करोगे, यहाँ पे आप करोगे क्या, DECE हो गया। एनरोलमेंट नंबर पे आप अपना एनरोलमेंट नंबर डाल दोगे, अभी जैसे हमने एक बच्चे का खोला हुआ था 2 3 5 4
एक सेकेंड, यहाँ पे करके सर्च दबा दोगे। जैसे ही सर्च दबाओगे यहाँ पे आपको अपना ग्रेड कार्ड दिख जाएगा। असाइनमेंट वन में बच्चे के मार्क्स आए हैं कितने? 80। एक सेकेंड, ठीक है जी, इस बच्चे के असाइनमेंट वन में 84 मार्क्स, ठीक है, असाइनमेंट वन में 84 मार्क्स आए हैं, असाइनमेंट टू में 83, असाइनमेंट थ्री में 80 मार्क्स, DC4 प्रोजेक्ट में 94, 93 हमारा स्टूडेंट था, और पेपर में अभी पहले के नंबर आए हैं 80। अब आप समझोगे यहाँ तो कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, यहाँ नॉट कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, इसका क्या मतलब है? बहुत बच्चों ने इस पे भी रोला डाला हुआ है। कोई बात नहीं, देखो असाइनमेंट में 84 मार्क्स आए और यहाँ पे पेपर में 80 मार्क्स आए, असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया, प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो गया, तो सामने लिखा गया कंप्लीटेड। असाइनमेंट में 83 पास हो गया, लेकिन अभी पेपर के मार्क्स लगे नहीं ना, जब इसके मार्क्स लग जाएंगे, ये 35 और 35 से ज्यादा होंगे तो यहाँ कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। इन द सेम वे DC3 के भी असाइनमेंट के मार्क्स तो लग गए, जब पेपर के मार्क्स 35 या 35 से ज्यादा होंगे यहाँ लग गए तो यहाँ कंप्लीटेड लिखा आ जाएगा। DC4 प्रोजेक्ट में तो आप देख ही सकते हो कंप्लीटेड लिखा आ गया है, क्योंकि लैब वन और लैब टू के नीचे मार्क्स लगते हैं, दोनों में 94 और 93 लगे हैं। ये है हमारा टॉपर बच्चा, तो इस बच्चे को तो स्पेशल गिफ्ट बनती है, इसकी तो जो स्पेशल गिफ्ट है सो है। अब आपके बारे में आपको क्या करना है, आपको पता चल गया आपका रिजल्ट अगस्त एंड तक आ जाएगा। कब तक आ जाएगा? अगस्त एंड तक। तो बार बार कृपया करके मत पूछो, कुछ महान लोग तो महान यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहे हो और कह रहे हो रिजल्ट तो डिक्लेयर हो गया, क्यों नहीं आया तुम्हारा रिजल्ट? ऐसे लोगों से कृपया करके दूरी बनाई रखा करो, क्योंकि वो बस व्यूज के लिए आते हैं, समझाते कुछ है नहीं। इग्नू का रिजल्ट कभी भी एक दिन में नहीं आता, जैसे जैसे मार्क्स अपडेट होते जाते हैं वैसे वैसे आता जाता है। तो अगस्त के एंड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा सितंबर की स्टार्टिंग में आ जाएगा, है ना। कुछ कर तो सकते नहीं, जब उन्होंने देना है तभी देना है ना। अब गिफ्ट की बात करते हैं, गिफ्ट क्या है? अगर आप 80 प्लस मार्क्स लेकर आते हो किसमें? पेपर में, अपने पेपरों में जो DC1 का हुआ है, 2 का हुआ है, 3 का हुआ है, ठीक है जी, या फिर आप प्रोजेक्ट में 80 प्लस मार्क्स लेकर आते हो, ठीक है जी, तो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट। स्पेशल गिफ्ट क्या है? ठीक है, जब मैं ये गिफ्ट बोल के छोड़ देती हूँ ना, बच्चे कहेंगे मैम क्या पता आप एक पेन दे रहे हो, है ना। देखो तुम्हारी सिमरन मैम गिफ्ट भी अच्छे देती है, ऐसी बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन नोट्स बिल्कुल फ्री, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, किसी भी स्टेट यानी कि किसी भी स्टेट के हो, आपको वो नोट्स मदद करेंगे किसमें? आपकी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, सब कुछ, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी आता है ना वो सब आपको मिलेगा, ठीक है जी। तो ये गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन नोट्स मिलेंगे। अब ये मिलेंगे कैसे और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बच्चा टॉपर है? आपको यहाँ पर लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, और यहाँ लिख भी देती हूँ 8178947630। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर है, इसके व्हाट्सएप पे अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर भेज देना। अगर आपके तीनों पेपरों में से किसी भी एक पेपर में 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं, या प्रोजेक्ट में 80 या 80 से ज्यादा मार्क्स आए हुए हैं, अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर शेयर कर देना, हम आपसे पूछ लेंगे कि आपने किस हिसाब से प्रोजेक्ट बनाया था, आप हमारे स्टूडेंट थे, आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा। मतलब ये इंटरव्यू नहीं, इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर हमारे नंबर पे भेजोगे तो ऑब्वियसली मेरे स्टूडेंट होगे, मेरी वीडियो देख रहे हो तभी भेजोगे ना। तो आपको अगर आपने सिर्फ मेरी यूट्यूब की फ्री वीडियोस भी देखकर पढ़ा था और आपके मार्क्स 80 या 80 से ज्यादा आए, तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे अपना ग्रेड कार्ड की पिक्चर भेज देना, आपके लिए ये वाले नोट्स बिल्कुल हाजिर रहेंगे, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे। किनके लिए है गिफ्ट? जो 80 या 80 से ज्यादा लिखेंगे किसी भी एक पेपर में या प्रोजेक्ट में, ठीक है जी, व्हाट्सएप पे मिल जाएंगे, तो अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर हमें भेज देना जब भी रिजल्ट आएगा। डन हो गई ये बात। ऑल्सो ये रिजल्ट आने के बाद अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, तो अगर हो आप पंजाब से, ठीक है जी, क्योंकि मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स पंजाब से हैं, तो उनका एक बैच चल रहा है 2500 का, ठीक है जी, 2500 का बैच है जिसके अंदर ऑल सब्जेक्ट्स हम कवर करवा रहे हैं,
सीडीपी, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जो भी आ रहा है सब कवर करवा रहे हैं। जब तक पेपर नहीं हो जाता ये वाला आपका बैच एक्टिवेटेड रहेगा। नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स मिलेंगी और आपको क्लासेस मिलेंगी। जितनी मर्जी बार उन क्लासेस को देखना चाहो, जो आपका डाउट होगा आप वो पूछ सकते हो। ये 2500 का बैच है। बाकी स्टेट्स के लिए, ऑल स्टेट्स के लिए, ऑल स्टेट्स के बच्चे मतलब पंजाब के अलावा, या ऑल स्टेट्स मान लो सारे के सारे जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आते हैं, उनके लिए मैंने चैनल पर यूट्यूब पर फ्री क्लासेस स्टार्ट करी है। सीडीपी की यूट्यूब पर फ्री क्लासेस स्टार्ट करी है। किस चीज की? सीडीपी की, जिसके अंदर क्या क्या है, जिसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी क्लासेस बता रही हूँ, समझा रही हूँ। और उनकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहो तो हमारी ऐप है लेवल अप लर्निंग सिमरन करके, लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम से ऐप है, ठीक है जी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर लेना। राइट लेफ्ट हैंड साइड क्लिक करोगे, फ्री मटेरियल वाले सेक्शन पे जाओगे, इन फ्री सीडीपी क्लासेस की आपको वहां पर पीडीएफ्स मिल जाएंगी। अब ऐप पर जाओगे तो कृपया करके 5-स्टार रेटिंग देकर प्यारा सा रिव्यू लिख देना मुझे मोटिवेट करने के लिए। यूट्यूब पे फ्री सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं और बाकी सब्जेक्ट्स का जल्दी हम कोशिश करेंगे बैच लेकर आने का। वो पेड बैच होगा लेकिन थोड़ा सस्ता रहेगा, ठीक है जी। पेड बैच होगा या फिर क्लासेस आएंगी, या फिर सिर्फ नोट्स लेना चाहो तो नोट्स परचेज कर सकते हो। बाकी सब्जेक्ट्स जिसके अंदर इंग्लिश होगी, ठीक है, हिंदी होगी, पूरी की पूरी जीके होगी, वो जीके पढ़ लेना तो एसएससी भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, मैथ्स, रीजनिंग सब कुछ होगा। वो पेड नोट्स हमारे रेडी हो रहे हैं, वो भी आप ले सकते हो। कौन कौन इंटरेस्टेड है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकता है वैसे, ठीक है जी, तो वो भी आप ले सकते हो। तो ये सारी के पंजाब का तो पूरा का पूरा बैच ही चल रहा है विद क्लासेस और पीडीएफ सब कुछ। ये इनका जो होगा ना इंग्लिश और पंजाबी में होता है, इंग्लिश और पंजाबी में होता है। और बाकी ऑल स्टेट्स वालों का जो बैच होगा वो हिंदी और इंग्लिश में होगा। फ्री सीडीपी की क्लासेस यूट्यूब पे चल रही है, इनकी पीडीएफ लेवल अप लर्निंग सिमरन के नाम की ऐप से मिल जाएगी। आगे ये हो गया, आगे प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब की बात तो होगी, प्राइवेट जॉब की बात करते हैं। अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो रिज्यूमे कैसे बनाना है, रिज्यूमे कैसे बनाना है, वीडियो चैनल पे डली हुई है, ठीक है जी। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वीडियो डाली हुई है, उसे देख के अपना रिज्यूमे बना लेना। प्यारा सा रिज्यूमे बना के 15-20 फोटोकॉपी करा के अपने आसपास सब प्ले स्कूलों में दे देना, कॉल पक्का के पक्का आएगी। इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जल्दी उसकी वीडियो आने वाली है, ठीक है जी। लेसन प्लान कैसे बनाना है, अब जॉब तो लग गई, अब जॉब में सर्वाइव भी तो करना है, लेसन प्लान कैसे बनाना है उसकी वीडियो जल्दी चैनल पे आ जाएगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बैच और वो थे बता दिया, टॉपर्स के लिए नोट्स बता दिया फ्री में मिलेंगे, रिजल्ट देखना है, ऐसे प्यारा सा टॉपर हो तो अपने ग्रेड कार्ड की पिक्चर हमें भेज देना लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे। आई होप अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, मेरा रिजल्ट नहीं आया, उसका रिजल्ट नहीं आया। धैर्य रखो, शांति रखो, सबका रिजल्ट आएगा और सबके सब अच्छे नंबर लेकर आओगे, ठीक है जी। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, प्यारी प्यारी मार्कशीट्स लेवल अप लर्निंग के कॉन्टेक्ट नंबर पे भेज देना, गिफ्ट तुम्हारा इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, आगे भी हम आपके लिए जो न्यू चीजें लेकर आ रहे हैं वो आप तक पहुंचती रहे। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, आसपास आपके कोई भी एंटिटी करना चाहता हो तो उसे हमारा नाम रिकमेंड कर देना। और इग्नू से कोई भी और कोर्स कर रहे हो तो धीरे धीरे हमारे पास और बाकी कोर्सेज के भी सॉल्ट मटेरियल अवेलेबल है, वो भी आप ले सकते हो। थैंक यू सो मच। और बच्चे ये भी बोलते हैं इसके बाद कोई और कोर्स करना चाहते हैं क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड तो ना ये कर सकते हो, एक बहुत अच्छा कोर्स है, ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है PGDPPED इंग्लिश मीडियम में होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन प्री प्राइमरी एजुकेशन, बहुत अच्छा कोर्स है। इंडिया के साथ साथ बाहर की भी इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, बाहर इतनी सारी जॉब्स मिल रही है। इसका भी असाइनमेंट है वो मुझसे लेके बना सकते हो, प्रोजेक्ट है मुझसे लेके बना सकते हो। बढ़िया चीज ये है, इसमें कोई वीडियो नहीं बनानी, कोई फोटो नहीं लगानी, ठीक है जी। तो ये कर सकते हो, पेपर देने है ये इंग्लिश मीडियम में। ऐसे ही एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन
अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन करके आया है, एडवांस वर्जन DEC का, ग्रेजुएट बच्चे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हो, उसका भी सारा सॉल्ट मटेरियल हमसे मिल जाएगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करने वालों को सफलता जरूर मिलती है। थैंक यू। अब डाउट सोल्व हो गया ना रिजल्ट को लेकर, सारा का सब कुछ बिल्कुल बताया, ग्रेड कार्ड बताया है, ये बताया है और ये पेपर का बताया। जैसे जैसे मार्क्स आएंगे यहाँ पर शो होने लग जाएंगे, यहाँ पर शो होने के 10 से 15 दिन बाद यहाँ आते हैं। और जब ये ग्रेड कार्ड कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चे पूछते हैं कुछ मेल डालनी है, नहीं, अपने आप 50 से 60 दिन में मार्कशीट और DMC आपके घर पे आ जाती है, आपके एड्रेस पे, ठीक है जी। उसके बाद डिग्री के लिए आपकी कॉन्वोकेशन होती है नेक्स्ट ईयर, उसमें इग्नू की वेबसाइट पे ही 600 पे करने होते हैं, तब डिग्री मंगवाते हैं। और ये जब आपका कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद कोई भी वैकेंसी आती है, चाहे डिग्री अभी नहीं भी आई, आप बिल्कुल एलिजिबल होते हो अप्लाई करने के लिए। आई होप जल्दी से अपनी जॉब्स लेकर तुम लोग सेटल डाउन हो जाओगे। थैंक यू।